नमस्कार। काम को कभी बोझ मत मानना। अगर आपने अपने काम को, अपने वर्क को हेडेक माना, बोझ माना ना, तो ना तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी और ना ही आपका मन शांत रहेगा। आप हमेशा दुखी रहोगे। आप जिस वर्क को कर रहे हो ना, उस वर्क में परफेक्टनेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका उस कार्य करने में मन ही नहीं है ना। आप तो बेमन से कार्य कर रहे हो, आप तो अपनी बिना इच्छा से उस कार्य को कर रहे हो, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? आधी अधूरी सफलता मिलेगी। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन मन से नहीं कर रहे हो, आधी अधूरी सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपका मन तो शांत नहीं होगा। आपका मन तो अंदर ही अंदर से दुखी होता रहेगा, क्योंकि आपने तो अपने काम को बोझ मान रखा है। एक छोटी सी मोटिंग स्टोरी है एक संत और एक मजदूर की, कि कैसे अगर आप काम को बोझ मानते हो तो न तो आपको सफलता मिलती है और न ही आपका मन शांत रहता है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ में एक गांव से गुजर रहे होते हैं। गांव में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा होता है, तो वहां पर बहुत सारे मजदूर वहां की मूर्तियों को तराश रहे होते हैं, मंदिर के खंभों को तराश रहे होते हैं। तो संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं, तो एक मजदूर से पूछते हैं संत कि तुम क्या कर रहे हो? तो वह मजदूर संत को क्या कहता है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपके क्या करना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आगे चलो। संत आगे बढ़ते हैं और दूसरे मजदूर से पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, इस गांव में क्या बन रहा है? तो मजदूर संत से क्या कहता है कि मुझे क्या पता यहाँ पर क्या बन रहा है, मुझे तो जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ, शाम को मुझे इसकी मजदूरी मिल जाएगी, शाम को मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने घर चले जाऊँगा, यहाँ पर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उससे मुझे क्या लेना, मुझे तो मजदूरी करनी है। संत और आगे बढ़ते अपने शिष्यों के साथ में, तीसरे मजदूर से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, तुम क्या तराश रहे हो? तो वह मजदूर क्या कहता है? वह मजदूर खुशी से कहता है कि महात्मन, यहाँ पर इस गांव में एक मंदिर बन रहा है, और इस गांव में पहले मंदिर नहीं था, अब मंदिर बनने से लोग यहाँ पर भी पूजा अर्चना कर सकेंगे, पहले तो यहाँ के लोग बहुत दूर जाते थे। तो उस संत ने मजदूर से पूछा कि तुम इस कार्य से खुश हो? तो उस मजदूर ने क्या कहा? मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ जो मंदिर बन रहा है बहुत खुश हूँ, और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। संत अपने शिष्यों को कहता है कि देख लो, तीन मजदूर मिले आपको, तीन में से दो मजदूर अपने काम से खुश नहीं थे, उनको उस काम से कोई लेना देना नहीं था, उनको अपनी मजदूरी से लेना देना था, वो अपना काम करके खत्म करके निकल रहे थे, तो उनका काम परफेक्ट नहीं हो रहा था, उनका काम हो रहा था लेकिन वो मन से खुश नहीं थे, मन से दुखी थे। लेकिन तीसरे मजदूर को देखिए, उसको उस कार्य में सफलता भी मिल रही है और उसका मन भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को बोझ नहीं माना। और उन दो मजदूरों ने उस काम को बोझ माना, अपने बुझे मन से उस काम को कर रहे थे, मजदूरी मिल रही थी उनको, लेकिन उनका मन तो खुश नहीं था ना, उनका मन तो शांत नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, लाइफ में कोई भी काम करो, उस काम को दिल लगाकर करना, तभी आपको परफेक्ट सफलता मिलेगी और तभी आपका मन शांत रहेगा। अगर आप किसी वर्क को, किसी काम को बुझे मन से करोगे, अपनी बिना इच्छा के उस काम को करोगे, तो वो काम भी परफेक्ट नहीं होगा और आपका मन भी शांत नहीं होगा। तो जब भी काम करो ना, तो दिन लगा कर करना।